हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में SEO आता है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक वेबसाइट को गूगल में या फिर इस तरह के जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनमें रैंक कराते हैं, वो भी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, मैंने गूगल में सर्च किया अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, तो आप देख रहे होंगे कि जो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये इस तरह की जो साइटें हैं जो रैंक कर रही है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर रही है। इसमें वेबसाइट में चेंजेस करते हैं, दैट इज ऑन पेज SEO इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर बैकलिंक्स बनाते हैं, दैट इज ऑफ पेज SEO। मतलब SEO के प्रोसेस इसमें फॉलो करते हैं जिससे कि ये साइट गूगल के ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में रैंक करती है। तो फर्स्ट जो है वो SEO है, सेकंड है SEM, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में SEO तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा और भी जो प्रोसेस हो सकते हैं सर्च इंजन में मार्केटिंग करने के लिए वो इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको इस पेज पे दिखा रहा हूँ कि ये एड्स दिख रहे हैं। देखो आप, एड 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 करके लिखा हुआ, ये चार एड दिख रहे हैं अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स गूगल में सर्च किया है तो जो जो ये एड्स हैं ये PPC है, पे पर क्लिक। मतलब कि जो 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 बंदा ये एड चला रहा है, जो जो इस बिजनेस ऑनर है, वो इस एड के लिए पैसे दे रहा है और एक एक क्लिक के पैसे उसको देने होंगे। तो बेसिकली SEM में SEO तो होता ही है, इसके साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो सर्च सर्च इंजन के थ्रू लीड्स जनरेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे सर्च कैंपेन जो होता है गूगल एडवर्ड का, ये भी SEM में ही आएगा। जो थर्ड प्रोसेस है वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड भी हो गया, अब ये जो थर्ड है दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स पर जो हमारे प्रोफाइल्स और पेजेस होते हैं उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये हुआ कि उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। जैसे कि आपका आपके बिजनेस के लिए कोई फेसबुक पेज है तो उस पेज पे वो सारा इंफॉर्मेशन देना, जिससे कि वो जो पेज है वो थोड़ा और इंफॉर्मेटिव हो जाए। जैसे कि बैनर लगा देना, उसमें डिस्क्रिप्शन राइट कर देना, और भी जो भी एक्टिविटीज होती है, दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में सोशल मीडिया साइट्स जितनी भी होती हैं उन पे आपके बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड करते हैं, वहां पर पेजेस बनाते हैं या फिर प्रोफाइल बनाते हैं और फिर इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सेम वे जो फोर्थ है दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज होती है जिससे कि मैक्सिमम लीड जनरेट होता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे पेड एड चलाते हैं वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही आएगा। आप उस पे कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारा कंटेंट राइट करते हैं जिससे कि यूजर यूजर को आप ड्राइव करते हैं, तो ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही पार्ट हो जाएगा। फिफ्थ में है पे पर क्लिक। अब जैसे मैं आपको ये दिखाया कि अगर मैं गूगल में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सर्च करता हूँ तो यहाँ से आपका ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है, और ये जो ऊपर है ये एड्स हैं। तो ये जो जितने भी हैं ये एड्स हैं, ये जो चार दिख रहे हैं, और इसके लिए जो एड एड जो रन कर रहा है वो गूगल को पैसे देता है। तो ये पे पर क्लिक का एक एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा आप सोशल मीडिया साइट्स या कोई और भी साइट जहां पे आप क्लिक के पैसे देते हैं, आप जीमेल में भी देखते होंगे एड्स दिखता है, आप वेबसाइट्स पे भी देखते हैं जो कि गूगल एडसेंस इनेबल्ड होती है वहां भी एड दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये जो एड है ये PPC का ही एक पार्ट है। तो PPC में वो सारी एक्टिविटीज होती है जो
जो कि इंस्टेंट लीड जनरेट करने के लिए पेड एड कैंपेन के थ्रू की जाती है। अब पीपीसी हो गया, पीपीसी के बाद है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंटेंट राइटिंग की जाती है, अलग अलग तरीके का कंटेंट डेवलप किया जाता है और उसके थ्रू लिस्ट जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पे ही ब्लॉग पोस्टिंग हो गया, जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग सेक्शन है, उसमें आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू आप ये जो ट्रैफिक है उसको जनरेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। आप इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उसके थ्रू अपने लीड्स जनरेट कर रहे हैं, वो भी कंटेंट मार्केटिंग का ही पार्ट हुआ। सेवेंथ जो ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग का, दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में ये कमीशन बेस्ड मार्केटिंग होता है। जैसे देखिए, ये टॉप 10 लेटेस्ट फॉर ब्लॉगर्स इन इंडिया करके ये पोस्ट है। अगर ये पोस्ट गूगल में रैंक कर रहा है और कोई बंदा अगर यहाँ पे आता है और ये देखिए अवेलेबल और अमेजन लिखा हुआ, अगर इस पे ये क्लिक करता है, अगर ये क्लिक करके परचेज करेगा तो जो ये वेबसाइट ओनर है इसको उस परचेज में से कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हैवी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपका आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक अगर अच्छी हो जाती है तो। ये अफिलिएट मार्केटिंग हुआ। एट्थ जो ऑप्शन है दैट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो कि ईमेल्स के थ्रू होता है। आप एक सब्सक्राइबर्स के का लिस्ट या फिर कहीं से भी ईमेल्स का लिस्ट बना लेते हैं और फिर उन ईमेल्स पे अपना जो एक कस्टमाइज्ड कैंपेन है वो भेजते हैं अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट्स के लिए। लोगों के इनबॉक्स में जाएगा वो, आपका जो भी आपका जो ईमेल है और लोग आपको फिर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी आप जो एक्शन चाहते हैं वो ले सकते हो। फ्रेंड्स, लास्ट ऑप्शन है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है जिससे कि एप्स को ऑप्टिमाइज करते हैं सो दैट कि अगर कोई प्ले स्टोर में सर्च करता है जिसके लिए ऐप बना है, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई सर्च करता है और कोई हेल्थ इंश्योरेंस का ऐप है तो कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है जिससे कि वो जो ऐप है वो ऊपर दिखे और ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें उस ऐप को। तो इस प्रोसेस को ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने जो 9 तरीके हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और यही एक तरह से फेमस है, वैसे इसमें भी बहुत सारे आप और सब कैटेगरीज बना सकते हैं बट मेनली यही ये 9 कैटेगरीज इनफ है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।